हाय दोस्तों, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में जो है एक जो है हम गुड न्यूज़ को डिस्कस करेंगे और एक जो है एक बैड न्यूज़ भी है। जैसे कि आप जानते हैं अभी तक जो है पूरी दुनिया में शायद 22 लाख के आसपास जो केस हो चुके हैं और 1,47,000 के आसपास जो डेथ हो चुकी है कोविड से। मगर ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ के 6,500 केस ही हुए हैं और 100 से कम जो है यहाँ पर बहुत कम जो है डेथ हुई है ना। और पिछले 10 दिन से जो स्लो हो गए हैं न्यू केस आना, तो ये बहुत ही पॉजिटिव बात है ऑस्ट्रेलिया के लिए और इन्होंने उसके ऊपर ऑलमोस्ट जो है कंट्रोल पा लिया है। मगर क्योंकि यहाँ पर डेली डेली बेस पे क्या होता है, जो यहाँ के पीएम हैं वो जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो बताते हैं कि आज की अपडेट क्या है, कितने केस रहे और क्या क्या पॉलिसीज में चेंज रहेंगे या नहीं। तो अब जैसे कि मैंने कल बताया था आप लोगों को जो है उन्होंने कहा था कि बहुत सारे जो स्टेट हैं जैसे कि NSW स्टेट है वो अभी रिव्यू कर रहा है, वो अपने स्कूल्स को और जो कॉलेज को जो है ओपन करने की जो है बात कर रहा है ना। तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग पॉलिसी होती है और स्टेट की हर एक की अपनी पॉलिसी अलग होती है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है कल एक स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने कहा कि जो अभी तक केस तो ज़रूर कम हो रहे हैं मगर जो उनकी जो पॉलिसी है वो अगले 4 वीक तक सेम रहेगी, यानी कि जो लॉकडाउन है वो लॉकडाउन ही रहेगा। मगर स्टेट को उन्होंने कुछ कुछ छूट दी है कि पर्टिकुलर स्टेट को लगता है कि वो छूट देना चाहते हैं सर्टेन कुछ जो है शॉप ओपन करने में या उस टाइप से कुछ करने में, तो वो लोग जो है कर सकते हैं। और जो स्कूल वाली बात है कि स्कूल भी उन्होंने खुद से कहा है कि अगर जो जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो ओपन करना चाहते हैं तो ये भी ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट के ऊपर है ना। तो ये जो स्टेट की बात हो गई ये सब, तो मगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है वही लागू होती हैं कहाँ पर, जो इमिग्रेशन का जो सिस्टम है और जो जो बॉर्डर की बात है ना, इंटरनेशनल फ्लाइट्स आनी है या नहीं आएंगे है ना, और जो है एडमिशंस यूनिवर्सिटीज और जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी कहा है कि अगले 4 वीक तक वो सेम रहेंगे और वो जो है एवरीडे मॉनिटर कर रहे हैं और अगर कुछ उनको लगेगा तो शायद बीच में वो मॉडिफाई कर सकते हैं। मगर उन्होंने अभी कहा है कि हम इतनी जल्दी रिस्क नहीं ले सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया जो है इतना अफोर्ड नहीं कर पाएगा अगर केस ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब इसका मतलब यह है कि यहाँ पर केस तो कम हो गए हैं मगर जहाँ जैसे आप लोग जानते हैं अगर एक केस भी जो है वो हज़ारों की तादाद में जो है इन्फेक्ट कर सकता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल आप लोगों को मालूम होगा जो है पेशेंट 31 एक जो है कोरिया में पेशेंट था, उसने 60% लोगों को इन्फेक्टेड कर दिया था उस कंट्री के अंदर। तो ना तो उसी मॉडल को जो है ना ये लोग अपना रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को जो है सेपरेट कर दे रहे हैं ना। और दूसरी तरफ जो है बाकी जो नॉर्मल लाइफ है यहाँ पर वो चली रही है, लॉकडाउन तो है यहाँ पर, मगर जो ओवरऑल जो बात ये है कि आप लोगों के लिए अभी वेट करना पड़ेगा स्पेशली जो है 4 वीक तक, और उसके बाद मुझे लगता है शायद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसा कि जुलाई में जो इनटेक होने वाली है कि उसका क्या होगा, वीज़ा इशू होगा या नहीं होगा है ना। तो अगर 4 वीक के बाद अगर जैसे कि अभी हम बात करें तो 20 अप्रैल और उसके जो है 20 मई तक अगर जो है ओपन, उस टाइम पे अगर वो अनाउंसमेंट भी करेंगे कि नहीं अब हम जो है बॉर्डर खोल रहे हैं, अब एवरीथिंग फाइन इन ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद 40 जो रेस्ट्रिक्शंस वो लगाएंगे या हटाएंगे, तो उसके बाद भी जो है ना मतलब टाइम बचता है ना अगर आपको वीज़ा फाइल करना है, या हो सकता है वो 6 महीने जो 6 वीक की जो लेट करने वाली बात थी इस सेमेस्टर को जो है जुलाई के में स्टार्ट ना करके इसको अगस्त में मिड ऑफ अगस्त में कर दिया जाए, 1.5 महीने लेट किया जाए, तो वो भी हो सकता है ना। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं और जो सिस्टम यहाँ पर थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है बेसिकली, स्पेशली अगर आप देखें जितने लोग जितने नॉर्मली काम किया करते थे उसके आधे लोग भी अभी ऑफिस में नहीं जा रहे हैं ना, तो बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो जैसे कि पहले 10 एप्लीकेशन आया करती थी और उसको 10 लोग काम किया करते थे, अभी 5 लोग काम कर रहे हैं ना। तो जो सिस्टम पहले जो था उसका आधा मान लो आप, जैसे कि अगर आपको वीज़ा मिल रहा था कोई जो है 1 महीने में, तो अब आप मान लीजिए शायद 1.5 से 2 महीने आपको लग सकते हैं। तो ये एक तरह से एजम्पशंस हैं और जो है गवर्नमेंट जो है एवरीडे जो है ब्रीफिंग करती है, रिव्यू करती है। तो इस वाली जो बात थी इस पर हर कोई जो है बहुत ज़्यादा निर्भर कर रहा था कि शायद गवर्नमेंट जो है अब जो है रेस्ट्रिक्शंस को हटा देगी कि वो ऐसा कुछ अनाउंसमेंट करेंगे, मगर पीएम ने क्लियर कर दिया है कि अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं होना है। तो 4 वीक तक आपको जो सेम रेस्ट्रिक्शंस थी तो वही रहेंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।